अगर आप दीन दुनिया की खबर रखते हैं तो आपने एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और ये DFRAC जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम बनकर फैलाए जा रहे हेट और फेक न्यूज़। इसमें अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये क्या बता रहे हैं कि एक्स मुस्लिम यानी वह लोग जो यह दावा करते हैं कि वह इस्लाम धर्म छोड़ चुके हैं, ये लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम और फोटो के साथ हैंडल बनाकर सक्रिय हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सवाल एक्चुअली ये है कि क्या सही में ये एक्स मुस्लिम है या इसके पीछे कोई नेक्सस काम कर रहा है जो एक्स मुस्लिम की फेक आईडी बनाकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। एक एक्स मुस्लिम नूर का उन्होंने पूरा का पूरा ये चलाया, एक्स मुस्लिम नूर करके, जो अभी मतलब एक्टिव है ट्विटर के ऊपर में। बाद में ये पता चला उन लोगों को रिसर्च करने के ऊपर में कि पहले वही आईडी अमर के नाम से चलता था। ये क्या हो गया? एक्स मुस्लिम दीनी भाई, जिसका नाम हम लोगों ने दीनी कसाई रखा था, या रमेश सिंह, ये बोलते हैं कि जब एक्स मुस्लिम दीनी भाई के अकाउंट में हम लोग पैसा डालने जाते हैं तो हमको रमेश का नाम आता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप एक्स मुस्लिम एंजल के इसके जाते हैं तो आपको बबीता देवी देखने को मिलती है। उसी तरीके से एक्स मुस्लिम हफीजा के पास हम लोग जाते हैं तो उसके में हम लोग को पवित्रा दास दिखती है। उसी तरीके से उज्मा स्पीक्स करके है, इनका भी जब आईडी चेक किया गया तो बहुत सारे अलग अलग नाम, बहुत सारे अलग अलग, कभी उज्मा जयदेवी नाम है, कभी प्रियंका भारती नाम है, कभी एक्स मुस्लिम जयदेवी नाम है, कभी उज्मा खान नाम है, कभी सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट है। अरे बात बता रहा भाई, मुस्लिम शेख है, उस पर भी जांच पड़ताल बैठी तो ये पाया गया कि वो एक्स मुस्लिम है ही नहीं। एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेट स्पीच को और बाकी सारी चीजों को पे रिसर्च करते हैं, उन्होंने ये लग दिया। क्या बोलेंगे इसके ऊपर में, क्या बोलेगी एक्स मुस्लिम एंजल, क्या बोलेंगे एक्स मुस्लिम साहिल एडम, ये पूरा का पूरा नेक्सस जिसका भांडा फोड़ किया जा रहा है, जिसका भांडा फोड़ रहे हैं DFRAC। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।